गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 21 वाक्य संशोधन पढ़ेंगे। वाक्य संशोधन, इसे पढ़ने से पहले आपको वाक्य की परिभाषा जानना जरूरी है। पिछले पाठ में आपने वाक्य के बारे में पढ़ा था, वाक्य क्या है और उसके कितने अंग हैं। तो यहाँ पर वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। आज हम लोग वाक्य संशोधन पढ़ेंगे। संशोधन यानी बोलते समय लिखते समय बहुत सारी अशुद्धियां होती है, गलतियां होती है, उसे सुधार कर लिखना संशोधन कहलाता है। भाषा का मौखिक व लिखित प्रयोग करते समय कई तरह की अशुद्धियां होती रहती हैं। ये अशुद्धियां लिंग, वचन, कारक आदि के अशुद्ध प्रयोग से हो जाती है। लिंग के कारण अशुद्धियां होती है, जैसे लड़की जा रही है, वाक्य सही है। अगर हम लोग बोलेंगे कि लड़की जा रहा है, गलत होगा ना। सही क्या है, लड़की जा रही है। वचन, जैसे लड़की खेल रही है, सही है। अगर बोलेंगे कि लड़कियां खेल रही है, गलत होगा, लड़कियां खेल रही हैं, उसमें अनुस्वार लग जाता है। तो वचन के कारण भी क्रिया में परिवर्तन होता है। इसी तरह कारक आदि के कारण भी वाक्य गलत हो जाता है। वाक्य रचना के व्याकरणीय आधार पर क्रमबद्धता आवश्यक। व्याकरण के अनुसार वाक्य में क्रमबद्धता होना अनिवार्य है। यानी सबसे पहले संज्ञा या कर्ता होता है और क्रिया होता है। कर्ता और क्रिया के द्वारा ही वाक्य बनता है। राम जाता है, राम संज्ञा हुआ, जाता है ये क्रिया हुआ। हिंदी में क्रिया हमेशा अंत में होती है, पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया का कर्म रखते हैं। राम खेलता है, इसमें कर्म राम गेंद से खेलता है के बारे में पता चले वह क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है वह काम, तो वह कर्म कहलाता है। बहुत सारे अशुद्ध वाक्य है, उसका शुद्ध रूप भी लिखा हुआ है, आइए देखिए समझिए। पार्क में ऊंचा ऊंचा पेड़ था, पार्क में ऊंचा ऊंचा पेड़ था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पार्क में एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ है, तो ऊंचे ऊंचे। हमारी अध्यापिका विद्वान है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है, विद्वान पुल्लिंग शब्द है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप लिखना अनिवार्य है। यानी हमारी अध्यापिका विदुषी है। वहां अनेकों लोग थे, अनेकों ने अनेक, अनेक का अर्थ ही होता है बहुत सारे। वहां अनेक लोग थे। उसका प्राण निकल गया, प्राण हमेशा बहुवचन में होता है, उसके प्राण निकल गए। वह छत पर से गिर पड़ा, नहीं, वह छत से गिर पड़ा। मुझको नहीं मालूम, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मुझे नहीं मालूम। वह सज्जन पुरुष है, पुरुष को ही सज्जन कहते हैं ना, वह सज्जन है। वृक्षों पर पक्षी बैठा है, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। प्रहलाद पक्के ईश्वर भक्त थे, पक्के ईश्वर भक्त नहीं थे, ईश्वर के पक्के भक्त थे प्रहलाद, ईश्वर के पक्के भक्त थे। वह दंड देने योग्य है, वह दंडनीय है। कृपया से मेरा नाम भी लिख लीजिए, कृपया मेरा नाम भी लिख लीजिए, ये कारक संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर से नहीं होगी। कृपया मेरा नाम भी लिख लीजिए। कोई ने मुझे नहीं बताया, ये आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गया, किसी ने मुझे नहीं बताया। सब इकट्ठा होकर चले गए, सब इकट्ठे होकर चले गए। इस तरह आप लोग देख रहे हैं ना, कहीं पर लिंग, कहीं पर वचन, कारक, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। मैं बीए पास किया हूँ, गलत है, मैं बीए पास हूँ। तुम शहर पर कब आए, यहाँ पर नहीं होगा, तुम शहर कब आए। वह बेहद ही थक गया था, वह बेहद थक गया था, उसकी आंखें नीची हो गई, उसकी आंखें नीची हो गई। इन्होंने पुस्तक लिखी है,
इन्होंने पुस्तक लिखी है, ये भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, भारी सामान के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा करोगे वैसे भरोगे, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक गर्म कप चाय चाहिए, गर्म कप तो गर्म नहीं चाहिए ना, चाय गर्म चाहिए। एक कप गर्म चाय चाहिए, ये अर्थ संबंधी अशुद्धि हुई। तो इस तरह हमने आज एक इंस तक पढ़ा, अगली कक्षा में इसके आगे का पढ़ेंगे। आप लोग घर से सभी पढ़ करके आएंगे, गूगल मीट क्लास में या ऑफलाइन क्लास में इसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।